अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। आज मैं बना रही हूँ थ्रेड चिकन। उसके लिए मैंने चिकन बोनलेस लिया है, उसको ऐसे कट कर लिया है पीसेस में, और साथ में ये मसाले हैं, नमक है, रेड चिली पाउडर है, कोरिएंडर पाउडर है, टर्मरिक पाउडर है, और रेड चिली फ्लेक्स हैं। आप लोग अपने हिसाब से कम ज़्यादा डाल सकते हैं ये मसाले। और यहाँ पे मैंने एक अंडा लिया है, और साथ में इतना सा दूध लिया है, और यहाँ पे मैंने ये समोसे की शीट्स जो थी वो ली हैं। ये समोसे की शीट्स हैं, और बस ये इंग्रेडिएंट्स हैं इसका। यहाँ पे मैंने एक प्लेट ली है, उसमें मैं अंडा डालूँगी। यहाँ मैंने प्लेट में एक अंडा डाल दिया है। अब उसके बाद मैं यहाँ पे जितने भी मसाले थे वो सारे इसमें डाल दूँगी, और इसको मिक्स करूँगी। साथ साथ इसमें जो है हम दूध ऐड करेंगे। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और फिर जो है उसके बाद हम इसमें चिकन ऐड कर लेंगे। ये देखिए, ये देखिए, इसमें मैंने सिर्फ इतना सा दूध डाला था, अब और ऐड करूँगी मैं। और अब इसको मिक्स करूँगी, और उसके बाद हम चिकन इसमें ऐड कर देंगे। इसमें चिकन ऐड कर दूँगी अब मैं सारा। सारा चिकन ऐड करने के बाद अब मैं इसको मिक्स करूंगी अच्छे से। ये देखें, इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब मैं इसमें थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर ऐड करूंगी। वन टेबल कॉर्नफ्लोर ऐड किया है मैंने इसमें, थोड़ा सा और ऐड करूंगी मैं। अब इसको मैं अच्छे से मिक्स कर लूंगी। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और उसके बाद जो है हम इसको तकरीबन 1 घंटे के लिए मैरिनेट के लिए फ्रिज में रख देंगे मैरिनेट होने के लिए। ये देखें, ये अच्छे से हो गया है मिक्स। अब हम इसको मैरिनेट होने के लिए 1 घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे।
अच्छा एक चीज़ बता दूँ मैं, जब आप लोग इतना चिकन लेंगे जितना मैंने लिया है एक प्याली, तो उस हिसाब से एक अंडा, लेकिन अगर आप लोग डबल चिकन लेंगे, मतलब इससे डबल लेंगे, दो प्याली चिकन लेंगे, तो उस हिसाब से आप लोग दो एग जो हैं यूज़ कर लेना। और ये देख लें, दूध सिर्फ जो है आधा हुआ यूज़, तो इतना हाफ एक प्याली के लिए, एक चिकन के लिए, एक प्याली चिकन के लिए हाफ दूध जो है वो इस्तेमाल होगा, और एक अंडा। इसको मैं मैरिनेट होने के लिए 1 घंटे के लिए फ्रिज में रख दूंगी, और आगे जो है मैं शीट्स का बताती हूँ उसको कैसे कट करना है। तो देखें, शीट ऐसे कट करनी है, एक शीट पकड़ के, और बीच से कट कर लेना है हमें। उसके बाद हमने यहाँ से जो ये बंद वाला हिस्सा है, अब इसको हम जो है ऐसे कट करेंगे, थोड़ा पतला कट करेंगे इसको। मैं पूरा कट कर लेती हूँ फिर दिखाती हूँ। जी, तो ये मैंने सारे कट कर लिए हैं, ये वाला मैं दिखा दूँ। मैंने थोड़ा ना इस तरह भी लंबे में भी कट किया है। आप लोग अपनी मर्ज़ी से जिस तरह आप लोगों को सही लगे शेप उसमें कट कर लें, चाहे वो लंबा हो चाहे वो छोटा हो। ये हो गए कट। अब मैं इसमें डालूंगी, ये देखें, अब मैं इसमें थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर डालूंगी। एक चम्मच कॉर्नफ्लोर डालने के बाद अब मैं इसको अच्छे से मिक्स करूंगी। अच्छे से मिक्स हो गया है, देखें। अब मैं इसमें जो चिकन मैरिनेट हो गया है उसको लेके आती हूँ। ये देखें, चिकन मैरिनेट हो गया है, पूरा 1 घंटा हो गया इसको। अब मैं इस पर कोट करूँगी एक चिकन लेके अच्छे से उस पर। अच्छे से इसको साइड कर देंगे, एक और को कोट करेंगे। ऐसे कोट कर लेंगे अच्छे से। ये देखें, ये हो गया है। अब मैं इसको एक प्लेट में रखूंगी। ऐसे ही मैं सारे बना लूँगी और उसको प्लेट में रखती हूँ। जी, तो इसको मैंने फ्राई कर लिया था और ये रेडी हैं। ये देखें, बहुत मज़े के बनते हैं, आप लोग ज़रूर ट्राई करना। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अल्लाह हाफिज़।